पुलिस ने जिन 9 संदिग्धों के पोस्टर जारी किए उनमें पंकज मिश्रा का भी नाम शामिल था। दिल्ली पुलिस के सवालों का जवाब देने के बाद न्यूज नेशन से खास बातचीत में पंकज मिश्रा ने क्या कुछ कहा इस पूछताछ को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। जेएनयू में हुई हिंसा के मामले में पंकज मिश्रा से भी पूछताछ हुई है। इस वक्त हम क्राइम ब्रांच ऑफिस के सामने खड़े हैं। क्या पूछताछ हुई है पंकज आपसे? मुझसे काफ़ी प्रोफेशनली दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। वो पूछ रहे हैं कि एक्चुअली क्या हुआ था, आपने क्या देखा था, कौन कौन से लोग हैं। अगर वीडियो दिखा के उन्होंने पूछा कि आप किसी को पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं, तो काफ़ी प्रोफेशनली जांच है। मैं तो पहली बार जब क्राइम ब्रांच का नाम सुना तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं तो सुबह से मैं बताऊं चाय भी नहीं पिया था, पानी भी ये पीना ऐसे भाग के चला आया था बस कि दिल्ली क्राइम ब्रांच जाँच करेगी। लेकिन बहुत ही अमिकेबल, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से जाँच कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ कि एक अच्छा प्रोफेशनल तरीके से दिल्ली पुलिस, अभी तक मेरा जो गिलवा सिका था वो भी कम से कम कुछ हद तक दूर हो गया है दिल्ली पुलिस को लेकर। और सवाल है कि स्टेटमेंट भी आपने लिखा है, कितने पेज का लिखा है, क्या क्या लिखा है? हूँ 6 पेज का स्टेटमेंट है मेरा। मैं उसे एक बार गो थ्रू कर रहा हूँ और थोड़ा कंसल्ट भी कर रहा हूँ कि स्टेटमेंट में क्यों क्या होता है ना, कि हम क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, लीगैलिटी क्या हो सकती है किसी भी स्टेटमेंट का, उसको हम चेक कर रहे हैं अभी। कुछ जो तस्वीर दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपकी दिखाई थी उसमें तो आप दिखाई दे रहे थे, उसमें संदिग्ध आपको कहा गया है, डीसीपी आपको संदिग्ध कह रहे थे, तो क्या माना जाए कि संदिग्ध हैं आप? आप मोदी जी का फोटो अगर आप टीवी पे दिखा देंगे और दिल्ली पुलिस कह दे कि संदिग्ध हैं, तो क्या संदिग्ध हैं? क्या उस फोटो में मैंने सर ढका है? नहीं, दिल्ली पुलिस के ही किसी अधिकारी का उसी समय का फोटो वहाँ पर यार के सामने उपलब्ध हो तो कोई लिख के बेल दे कि ये भी हिंसा में शामिल थे, तो क्या शामिल थे? नहीं। उन्होंने, मैंने पूछा कि भाई आई हैव बीन टारगेटेड, क्योंकि आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश के सामने मेरी इज्जत उछाल दिया है ना। मेरा इससे एक है, मेरी एक इससे रेजिस्टेंस भी है कि कल क्या दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलेगी कि नहीं ये जो पंकज मिश्रा नाम का व्यक्ति है, क्या पूरे भारतवर्ष के सामने जाके दिल्ली पुलिस बोलेगी कि नहीं बोलेगी? के हिंसा में शामिल नहीं है ये कहना है आपका? मेरा हिंसा में शामिल होना पहली बात तो वाजिब नहीं है। मैं यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ला का भी स्टूडेंट रहा हूँ। 2 साल मैंने ला किया, फिर मेरा मास्टर्स में सिलेक्शन हुआ, मैं चला गया और मैं एक प्रोफेशनल हूँ। मैं कोई अभी बच्चा नहीं हूँ 12वीं और ग्रेजुएशन पास करके आया।